कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए हैं, और वसुदेव जी जब पूजा कर रहे थे पूजा गृह में, उनको समाचार मिला तो उन्होंने उचित समझा मर उपवन में जाके मैं नंद राय से मिलूं। कैसी पिता की वृत्ति होगी जानने की, कैसी आकुलता होगी पूछने की कि मेरा लाल कैसा है, भेद नहीं खोल सकते, लेकिन नंद राय जी से मिलना होगा। नंद राय और वसुदेव जी में मैत्री भाव है, यद्यपि नंद राय बड़े हैं लेकिन फिर भी वो वसुदेव जी का सम्मान करते हैं, लेकिन वसुदेव जी के चित्त में भी उनके प्रति भारी आदर है। मैत्री जहां होती है तो मित्रता का दर्शन करो उदयपुर वालों। नंद राय अपनी प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे, वसुदेव जी को भारी दुख जो कंस ने दिया। वसुदेव जी आपके सारे पुत्र काल कवलित कर दिए कंस ने, हमने सुना है एक कन्या हुई आपको वो भी स्वर्ग पधार गई, लेकिन वसुदेव जी ने कहा अपना प्रारब्ध है नंद राय जी जो सबको भोगना ही पड़ता है, पर मुझे प्रसन्नता है कि आपको पुत्र हुआ। वसुदेव अपने दुख की बात नहीं कर रहे और नंद राय अपने सुख की बात नहीं कर रहे, और कदाचित मित्र जो होते हैं वो अपने मित्रों से अपनी असहायता अपने दुख उसको छुपा के रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी मेरे मित्र को कोई विपत्ति आ जाए उसको कहना ना पड़े मैं सहयोग करूं, मैत्री का यही भाव होता है। इसलिए कभी कभी भाइयों से ज्यादा प्रिय मित्र लगा करता है, और क्योंकि हम मित्र के पास सहज होते हैं जो भी हमारा है वो उसके पास हम अपने हृदय को खोल सकते हैं। मित्र आया, उसने कहा मित्र मेरी बेटी का ब्याह है, सारी व्यवस्था कर दी, थोड़ी सी कमी रह गई, तेरे पास आना पड़ा। तो मित्र ने अपनी पत्नी ने से कहा, क्योंकि वो आज ही अपनी सैलरी अपनी तनख्वाह लेकर वेतन लेकर आया था, और कहा कि वो लिफाफा लाओ, वो पूरा का पूरा वेतन ले आई और उसने पति को दिया, पति ने मित्र को दिया, मित्र चला गया और ये बैठा रोने लगा। तो पत्नी कहती अब क्यों रो रहे हो, पहले तो हरिश्चंद्र बन गए, दान वीरकरण बन गए, सारा महीना कैसे गुजारा होगा चिंता ही नहीं करी, उठा के सबका सब दे दिया, अब रो रहे हो। तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैंने सारा दे दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कैसा प्रमादी आलसी, अरे मैं कैसा मित्र हूं, अगर मैं सजग होता तो मेरे मित्र को मुझसे मांगने की जरूरत ना पड़ती, मैं उसके पहले वहां सहायता पहुंचा देता, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे मित्र को मुझसे कहना पड़ा। ये उस मैत्री की बात कर रही हूं जो निश्चल होती है, निष्काम होती है, जो पवित्र होती है। जिस मैत्री में भी वणज व्यापार होता है वो मैत्री नहीं होती, वो समझौते होते हैं और ज्यादा देर वो टिकते भी नहीं, उनमें दरारें पैदा आ जाती हैं, क्योंकि वो किसी कारण होते हैं और कारण खत्म तो कहानी खत्म। वसुदेव जी कहते हैं कि नंद राय जी मुझे लगता है कि आपको जल्दी गोकुल चले जाना चाहिए, पर ये तो बताओ कि आपका लाला कहाँ सोता है। तो नंद राय जी ने कहा कहाँ सोएगा, नहीं बोले मैं पूछ रहा था पलंग पे सोते हैं कि पल्ले में सोता है। वसुदेव जी आप कैसी बात करते हो, आप अपनी भाभी को नहीं जानते हो, वो नन्हे से नीलमणि को कैसे पलंग पे या पल्ले में सुलाएगी, उसकी माँ तो रात भर अपनी छाती पे लेके नंदलाल को सोती है। वसुदेव जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गई, कैसी विवशता है पिता की। वसुदेव जी ने अपने पुत्र के बारे में पूछा, दाऊ के बारे में, नंद राय ने हाथ जोड़ दिए, वसुदेव जी जब से आपकी भारिया रोहिणी व्रज में आई है, व्रज में समृद्धि आ गई, लक्ष्मी आ गई, और वो साल भर तो बोला ही नहीं आपका पुत्र, मौन ही रहा, और जब से यशोदा को पुत्र हुआ है तब से उसके मुखारविंद पर मुस्कान देखने को आई, वाणी से शब्द निकले
और वो सब समाचार, और वसुदेव जी को लग रहा है कि जल्दी जल्दी चले जाएं नंद राय, क्योंकि क्योंकि उनको समाचार मिल गया था कि पूतना गई है ब्रज, बालघनी पूतना रुधर पीने वाली।